चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। उस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। फिल्म पठान को लेकर सेंसर बोर्ड का सुझाव सामने आया है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, विवादित गाने और कुछ सीन में सुधार का सुझाव सेंसर बोर्ड की तरफ से दिया गया है। बेशर्म रंग गाने में भगवा रंग पर आपत्ति आई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी फिल्म पठान को लेकर सेंसर बोर्ड ने सुझाव दिया, विवादित गानों को सीन में सुधार का सुझाव दिया है। बेशर्म रंग गाने में जो भगवा रंग है उसको लेकर आपत्ति जताई थी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। देश भर में हिंदू संगठनों ने भी चेतावनी दी थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। सराहनीय है, जब यह मामला मेरे सामने आया था तब मैंने कहा था कि यह दूषित मानसिकता से बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत करने का एक कुत्सित प्रयास है, रियल लाइफ पर भी असर डालती है। इस बात का निर्माताओं को, निर्देशकों को और कलाकारों को, सभी को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, जिस प्रकार से लगातार पठान फिल्म को लेकर हमने देखा कि तमाम नेताओं के बयान सामने आए, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई थी, अब फिल्म पठान को लेकर सेंसर बोर्ड का सुझाव भी आया है। देखिए, जब से ये पठान मूवी का टीजर जारी हुआ, गाने रिलीज हुए, सोशल मीडिया पे आया, यूट्यूब पे आया, उस वक्त से ही ये पूरा फिल्म को लेकर विवाद सामने आया। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने तो फिल्म निर्माताओं को ये हिदायत दी कि ऐसे सीन का और ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल ना किया जाए जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो। और जब इस बयान को सामने गृह मंत्री का आया, उस वक्त प्रदेश भर में और देश भर में फिल्म पठान का विरोध हुआ और फिल्म निर्माताओं ने ये देखा कि ये आपत्तिजनक है। और सेंसर बोर्ड ने पहले तो इस मूवी को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अब कुछ सीन को बदलने के सुझाव दिए हैं। और ये पूरा मामला दरअसल यह है कि जो फिल्म में जो गाना था उसमें दीपिका पादुकोण के जो कपड़े थे उसको लेकर ये पूरा विवाद था। और कांग्रेस का जो इस पे जवाब आया है वो भी बेहद अहम है। कांग्रेस का जो तर्क है वो ये है कि इससे पहले भी अक्षय कुमार की कुछ मूवियां आई थी जिसमें ओ माई गॉड और भूल भुलैया शामिल थी, उस वक्त भी हिंदू सनातन धर्म का अपमान किया गया, लेकिन बीजेपी ने सवाल नहीं उठाए। लेकिन अब उन्हें हीरो और हीरोइन से नफरत है, यानी कि फिल्म अभिनेत्री और फिल्म अभिनेताओं से दिक्कत है, और यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर विवाद खड़ा किया है। हालांकि फिल्म को रिलीज होने के लिए काफी समय है और इससे पहले सेंसर बोर्ड ने जो सुझाव दिया है वो ना सिर्फ फिल्म निर्माताओं के लिए बेहतर है बल्कि हिंदू धर्म को लेकर जो बयान सामने आए कि इससे जो लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है उससे कम से कम निर्माताओं को ये बात जरूर लोगों की स्वीकार करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि अब इसमें बदलाव की कवायद भी शुरू हो गई है। जी विवेक जी, बिल्कुल शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो गाने को लेकर लगातार सियासत भी हमने देखी, किस तरह से नेताओं के बयान सामने आए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई थी गाने में जो भगवा रंग है उसके इस्तेमाल को लेकर, और अब सेंसर बोर्ड ने सुझाव भी अपना दे दिया है। पठान फिल्म को लेकर जो है सेंसर बोर्ड का सुझाव है, विवादित गाने और कुछ सीन में सुधार का सुझाव यहाँ पर सेंसर बोर्ड की तरफ से अब दिया गया है।